अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा मिशेज व्लॉग। सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। और मैं आपके साथ आज एक और मज़ेदार व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो देखते रहिए मेरे साथ। मैंने जो है वो आलू के कटलेट्स चिकन के साथ बनाने थे, तो ये मैंने अपने आलू जो है वो बॉयल करके मैश कर लिए थे और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। और अब जो है मैं इसमें जो डेली चीज़ें मिक्स कर रही हूँ, मैंने कटलेट्स बनाने हैं। ये चले जाएंगे मेरे सारे स्पाइसेस कटलेट्स के लिए। रेड चिली पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, और ठीक से दिख रहा है कि नहीं, और ये थोड़ा सा धनिया है कुटा हुआ, और मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल दिया, वाइट पेपर, और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा कटलेट्स में। और नॉर्मल स्पाइस रखना है क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। और इसमें चला गया मेरा धनिया अकॉर्डिंग टू द जितने भी आलू हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये धनिया डाल दिया है। ये मेरी चिकन है बॉयल, और जो मैंने चॉप कर ली थी पूरी श्रेडेड चिकन है मेरी हुई भी। ये सब जल्दी से चला जाएगा, ये मिक्स करके इसको मैं अच्छी तरीके से कटलेट बना लूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने ब्रेड क्रम्स, और ये अब इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड करने, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर लिए हैं जो बाइंडिंग के लिए अच्छे रहेंगे। अब इनको मैंने अच्छे से जो है ना वो सारा कटलेट्स को मिक्स कर देना है, और फिर मिक्स करने के बाद फिर इनके अंदर स्पाइस हम बाद में चेक कर सकते हैं। कोटिंग के लिए मैं जल्दी से एग्स फेंट रही हूँ, और ये जो है मेरा मिक्सचर जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो गया है। मैं जल्दी से कटलेट्स बनाऊँ। ये मैं बना रही हूँ अब जल्दी जल्दी आलू और चिकन के कटलेट्स, और इसको पहले मैं जो है ना इस अंडे में और ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करके मैं रख लूँगी, और फिर मैं आपको पूरा जब सारे बन जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये पंजीरी बनाने के लिए मुझे जो है ना वो साथ में चाहिए थे, तो मैंने नट्स को जो है ना चॉप करना था, तो नट्स को मैं अब वन बाय वन जो है ना वो चॉप करके रख रही थी। साथ में मैंने महाद को भी बिठाया हुआ था, कुरान पाक का सबक महाद रिपीट कर रहा था, तो बाहर निकल के देखा तो आयशा जो है ना वो थोड़ा सा डेकोरेशन के मैं आइटम लेकर आई हुई थी, तो आयशा खुद ही उसको जो है ना वो सेट करने लगी। थोड़ा सा मैंने भी हेल्प आउट किया था, बट आयशा ने कहा कि वो थोड़ा सा क्लिप बना लें, तो चले देखते हैं आयशा क्या कर रही हैं। तो हम लोग अभी ये निकाल रहे हैं, मामा टेप लगा रही है डबल साइडेड टेप, और अभी हम लोग रिश्ता लगाए बना, तो वो जो लगा हुआ उधर इधर वो नहीं चिपक रहा था, तो उसको हम लोगों ने वही छोड़ दिया। अभी हम लोग को इस तरह लग रही है, तो ये लगानी है मामा हमारी, और इस तरह तो इतना प्यारा लग रहा है, ऊपर से धागा लगा दिया कि वो एक ग्रिप ले, ग्रिप मेरे कोने में ठीक से ना, तो इस तरह हम लोगों ने साइडों में लगा दिए क्योंकि वो नहीं लग रहे थे ग्रिप में। तो मामा कुछ और लेने गई हैं और हम लोग का ये हो गया है, तो हम लोग का ये सेट हो गया है। महाद बहुत हैप्पी हो गए हैं कि हम लोगों ने फाइनली कर लिया, क्योंकि उमर बोल रहा, महाद बोल रहा था कि मैंने करना है लेकिन मम्मा ने ही किया, और महाद वो टेप ज़रा करना वो निकल गया, फिर ब्लैक वाला ऊपर वाला हाँ ये देर गुड, ठीक है। तो हम लोग का ये हो चुका है, ये कुछ मुझे जो है ना फील हो रहा था कि मैंने कहा चलो किचन की जो है ना बाउंड्रीज पर मैं इस तरह से ये सेट कर दूं, तो ये भी फिर मैं खुद लेकर आई थी, और इसको भी मैंने जो है ना वो यहाँ पर सेट कर दिया है, और लगा के मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि आपको एक अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है। अब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ग्लोबल विलेज के इस बार के विजिट से जो है वो मैं कुछ मैंने शॉपिंग करी, मैं चीज़ें लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये जो है वो एक सोप की तरह सा ही है, लेकिन ये जेल टाइप है, और इसको जो है वो आप अपनी बॉडी पर मसाज करो, ये मैंने ओपन नहीं किया, बॉडी पर अपनी मसाज करें तो डेड स्किन ख़त्म होती है। मोरोको पवेलियन से मैंने ग्लोबल विलेज में लिया, और स्टिल अभी ग्लोबल विलेज में डेज हैं। ये इस तरह से है, इसको मैं शॉपर से निकाल के ना मेरे हाथ में भी लग रहा है थोड़ा सा ऐसे, स्मेल भी अच्छी है इसकी, इसको हम शॉपर से निकाल के मैं जो है वो इसके अंदर ही डाल दूँगी तो अच्छा रहेगा। और इसको लगाना कैसे है ये मुझे पता नहीं था, ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर ने मुझे बताया कि इसके लिए जो है ना ये थोड़ा सा खुरदरी टाइप की ये चीज़ होती है, ये वहीं पर ही मिल रहा था, तो ये भी मैंने 10 धर्म का बाई किया, छोटा सा ये इसका खुरदरा सा स्टफ़ है, इस पर आपने लगा के और बॉडी में मसाज करें तो
कल अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिली है, तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। ये हाफ के जी का मुझे मिला है, हाफ के जी का उन्होंने मुझे 20 ग्राम्स में दिया है, और 1 के जी का ये 40 ग्राम्स में था। और ये चलते चलते मैंने इंडियन पवेलियन से केरला का संदल सोप भी ले लिया, और ये मेरी रिंग्स हैं। अब इसके अंदर मैं अपनी नई वाली मेरे हमें उमड़ने लगा दी है। एक ये मैंने कल नई वाली बाई की है, और ये वाली की है, और तीसरी कहाँ गई, 3 रिंग्स मैंने बाई की है। मैं चेक करती हूँ उमा, वो तीसरी वाली कहाँ है बेटा? नहीं, तीसरी वाली किधर है? न्यू ये वाली, ये मैं भूल गई, देखो ये मैंने एक बाय की है कल, मैंने ये रिंग बाय की है पाकिस्तान पवेलियन से ही, एक ये वाली की है, और न्यू को मैं अलग रखती हूँ। और ये मेरी रिंग्स की ये कलेक्शन माशाल्लाह थोड़ी सी बढ़ गई है, अभी भी इसमें थोड़ी सी जगह है न्यू रिंग्स लगाने की। तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर दूँ। ग्लोबल विलेज से जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें जो है ना मैं ये रखना भूल गई, ये मैंने दूसरे साइड पे रखा हुआ था, तो अभी मैंने मुझे याद आया कि मैंने ये भी लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं इस भी छोटे से आपको वीडियो बना के दिखाऊं। ये बड़ा एंटीक सा मुझे लगा, वैसे तो वुडन स्पून और मेरे पास कलेक्शन है, लेकिन ये मुझे बड़ा डिफरेंस लगा, क्योंकि ये जो चीज़ बनी थी ना ये अफ्रीकन पवेलियन में था, और कल फर्स्ट टाइम मैंने अफ्रीकन पवेलियन विज़िट किया था, और वहाँ पर बहुत ही, एक तो उनका अपना कल्चर भी है, कल्चर के लिहाज से उनके पास डेकोर के बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, और वीडियो में भी आपको ग्लोबल विलेज की देख के अंदाज़ा हुआ होगा, लेकिन ये जो है मुझे बहुत अच्छा सा डिफरेंट सा लगा, तो ये मैंने ले लिया। तो अब इसको मैं सोच रही हूँ कि किचन की वॉल पे मैं ना किसी तरह इसको सेट करूँ, पेस्ट करना पड़ेगा वॉल पर, तो अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये मुझे कहाँ पर किस तरह से इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो फाइनली जो है ना मैंने सोच लिया, तो फिर मैंने इसको डबल टेप से ही किचन की वॉल पर स्टिक कर दिया कि आप थोड़ा सा सरफेस को, प्लेन सरफेस को क्लीन करके लगा सकते हैं। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल, टेक केयर एंड सी यू सून इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।